नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस भीषण गर्मी में अब शिक्षकों को, पहले तो शिक्षकों की शामत बनी थी विभाग के फरमान को लेकर के कि 6:45 आपको अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। अब इस बात को लेकर के शिक्षक तो समय से पहुंच रहे हैं, छात्र छात्राओं में बड़ी समस्या हो रही है, खास करके उन छात्रों को जो मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। अब ये बच्चे इस भीषण गर्मी में लगभग 47-48 डिग्री के तापमान को सह नहीं पा रहे हैं और विद्यालय में रह रह करके बेहोशी जैसी हालत उत्पन्न हो रही है। जी हाँ, ऐसा ही मामला बेगूसराय के मटिहानी क्षेत्र से भी आ रहा है, बलिया के भी कुछ विद्यालय में ये बातें सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरीके का फरमान और इतनी प्रचंड भीषण गर्मी में इन छोटे छोटे नाजुक बच्चों को अगर विद्यालय बुलाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नहीं एक रिस्क है, और रिस्क नहीं बल्कि छात्र छात्राओं सहित शिक्षक सहित तमाम लोगों का एक प्रकार से शोषण है। अगर शिक्षकों को 6:45 अपनी तस्वीर अपलोड करनी है तो के पाठक जी, आपके कार्यालय के कर्मियों की भी तस्वीर 6:45 अपलोड हो जानी चाहिए, स्वयं आपका भी अपलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भी विभाग के एक कर्मी हैं, विभाग से ऊपर नहीं कहे जा सकते। आप देखिए कि बेगूसराय के मटिहानी में किस तरीके से विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं इस गर्मी को लेकर के, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, उन्हें ORS की घोल पिलाई जा रही है, तमाम तरीके से अभिभावक पहुंच जाते हैं। आज मजबूरन प्रधान को विद्यालय बंद करना पड़ा है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है हम आपको ये भी दिखाएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी बेगूसराय से कहना भी चाहेंगे कि इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए निश्चित तौर पर विद्यालय को बंद कर देनी चाहिए। अध्यापक है मटिहानी मध्य विद्यालय के चंद्रकांत सिंह। सर, आपके विद्यालय में जो इतना बच्चा अभी जो है तो बेहोश हो रहा है, इसका कारण क्या है? भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी वर्ग कक्ष में पंखा जो कि चल रहा है, लाइन भी है, हम लोग जनरेटर भी चला रखे हैं, उसके बाद भी इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ORS पिलवाए फिर भी बच्चा बेहोश रहा, अंतिम में हम कम से कम 12-14 बच्चियों को यहाँ पहुँचवाए हैं। मध्याह्न भोजन भी कारण कुछ है? मध्याह्न भोजन भी करवाए थे? मध्याह्न भोजन तो बेहोश होने के बाद जब बच्चा यहाँ पहुँचवाए हैं तब 10 बजे छुट्टी देकर मध्याह्न भोजन करवाए हैं। मध्याह्न भोजन से पहले ये सब बेहोश हो गया? पहले हो गया, 10 बजे से पहले ही, 9:30 बजे से ही हुआ। और सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं, अंतिम में हम मध्याह्न भोजन करा कर अभी छुट्टी दे दिए हैं अवैधानिक रूप से, मजबूरी में। गार्जियन का भी मौत पहुंच गया, बच्चा भी हमारा है बेहोश हो गया, हम विवश हो गए बच्चा को वहां से छुट्टी देने के। अभी गर्मी छुट्टी रहता था तो जबरदस्ती सरकार स्कूल खोल कर पढ़वा रही है। 35-45 डिग्री टेम्परेचर है, ग्लूकोज का उसके बाद ORS का वो सब व्यवस्था हो, आप देखिए रहे हैं कि किस तरह का डॉक्टर राहुल। तो सर, एक साथ इतना सारे बच्चे, अत्यधिक सारा मामला है अत्यधिक गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से स्कूल खुला कैसे रहा है और कैसे